ये रिकॉर्डिंग है बाण गंगा की तलाश। देवी के मंदिर से पहाड़ों से नीचे उतरते हुए हम पानी की खोज में निकल रहे हैं, और ये है ईशू और ये है प्रिंसी और रोहित। देखो आप पहाड़ उतर रहे हैं हम, और हमारी तलाश जारी है। हमको आगे बहुत बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है ये यहाँ से निकलने के लिए, और हमको बहुत दिक्कत भी आ रही है सबको। पर पानी की कहीं अभी तक नामो निशान यहाँ नहीं मिल रहा है। देखो ये पेड़ रास्ते में गिरा हुआ है, और रोहित और प्रिंसी कैसे इसे पार कर रहे हैं। और ये देखो प्रिंसी की चीख भी निकली इसी रास्ते को पार करते हुए बीच में, और अब यीशु हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं, और प्रिंसी की हंसी छूट रही है इसमें। और हमको बहुत ही मतलब कि ये संकरा रास्ता है जो हम इसमें पार कर रहे हैं, और नदी का अभी तो कुछ नामो निशान नहीं हमें पा रहा है। पर कुछ माननीय सूत्रों के अनुसार यहाँ पर पानी होने की आशंका है, इसलिए हम पानी की तलाश कर रहे हैं। बोतल देखो हमारे हाथ में बोतल है, और हम अपने परिवार के लिए भी पानी यहाँ से लेने के लिए जा रहे हैं। और ये रास्ता बहुत ही कठिन और खाई भी है, हमारे साथ बाजू में ही बहुत बड़ी खाई है। और प्रिंसी को रोहित की बहुत चिंता हो रही है, भैया भैया करी है। और ये देखो हमारा रास्ता बहुत ही खतरनाक रास्ता है, बंदर भी यहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु हो सकते हैं। यहाँ पे अधिक मात्रा में सांप पाए जाने का खतरा तो बना ही रहेगा। पर हम ये देखिए अब रोहित और प्रिंसी अपना पोज दिखाने के लिए मुझे कह रहे हैं। और ये बहुत खाई में हमको कूदना पड़ रहा है, और ये प्रिंसी कूद गई इस, और ये कूदा रोहित आराम से कूद गए। तो और अब मैं भी चल मार रहा हूँ, और ये बहुत ही बेकार रास्ता जो अपना रहे हैं। रास्ता वापसी की रोहित को चिंता हो रही है कि हम भूल ना जाए, कभी हमें भूल ना जाए रास्ता, और रास्ता भूल भी सकते हैं वैसे, कोई बड़ी बात नहीं है, जंगल है ये। और ये तो रोहित प्रिंसी सारा बनी हुई है रोहित का, पर ये उल्टा हो रहा है यहाँ पे। रोहित को प्रिंसी को संभालना चाहिए, और प्रिंसी संभाल रही है रोहित को। और ये तो बहुत गंदा पानी आ रहा है, छोटा थोड़ा सा पानी है, तो नाले का पानी लग रहा है, वो भी गलत रास्ते पर आ गए लगता है हमें। एक रास्ता और भी था रास्ते में, पर हम तो लगता है गलत ही उतर के आ गए हैं। चलो ये तो नहीं रखती हमको कोई बात, हमको पानी के साथ फोटो खींचो। पर रास्ता देखते हैं हम, रास्ता हम देखते हैं, खोजते हैं, कहीं ना कहीं होगा। और ये पानी तो यहाँ पर चल रहा है, पर बहुत ही कम मात्रा में चल रहा है, बहुत ही गंदा पानी है ये। और पानी तो बहुत ही कम है यहाँ पे, ये रहा पानी। और इस पानी को प्राप्त करने के लिए हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ये गेहूँ को पेड़ हमको पार करना पड़ेगा। ये आ रहे हैं सब, जल्दी आ जाओ, यहाँ जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ऐसे रास्ते पे, हमको ये पेड़ रास्ते में गिरा हुआ है और इसको पार करना पड़ेगा। और बहुत ही गंदा पानी लग रहा है यहाँ तो हमको, चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ यहाँ से रास्ता ही नहीं है भाई, हम गलत आ गए हैं। चलो यहाँ से नहीं है पागल, सीधा चिकनाहट है वहाँ पे, और मैं चढ़ जाऊंगा, नहीं चढ़ सकते, फिसल जाएंगे। मैं आ रही हूँ,
यीशु गिरा बड़ी ही, मैं पहले इसको सावधान कर रहा था कि वो चिकनाहट बड़ा पात पत्थर है, इसे मत पड़ो, पर वो चल रहा है, मान नहीं रहा है यीशु, चढ़ता जा रहा है। हम इसका पोज आपको पास से दिखाने की कोशिश करते हैं। आ जा यीशु, वापस आ जा, जल्दी चल। और यीशु फिर से गिरा। यीशु का दूसरे टाइम गिरने की रिकॉर्डिंग हमारे पास। सही सलामत। और प्रिंस ही चढ़ रही है बहुत सखरे रास्तों पर, बहुत ही मुश्किल में, उसे चढ़ा नहीं जा रहा है पर वो चढ़ी जा रही है। अब रोहित कह रहा है यहाँ पे मस्त फोटो आएगी, हम खींचेंगे। और ये पोज बनाता हुआ रोहित पकड़, और ये पगड़ी कहानी, और फोटो खींचने के लिए तैयार। फोटो बड़ी आएगी, बड़ी छोटी। और प्रिंस यहाँ पर खींचने वाली है फोटो। और ये देखिए, ये पानी टंकी में से चल रहा है, बाणगंगा का पानी होता है। हो गया वहाँ पर, काली आ रही है। जल्दी करो यार, रिकॉर्डिंग चलिए है यहाँ पे। ये चल रही है यहाँ पर, एक पाइप में से बनगंगा चल रही है, देखो। यीशु बहुत ऊपर ही मार मार रहे हैं, हमसे आगे पहुँचते जा रहे हैं। ये चढ़ने पर बहुत तकलीफ हो रही है, ये हमारी रिकॉर्डिंग बहुत ही प्रसिद्ध होने वाली है, हमारी खोज जिसे कहते हैं कि ये बनगंगा है। और ये यहाँ पर स्टेबलाइजर रखा हुआ है इसके अंदर कमरे से में, और पाइप लगा हुआ है, पानी आ रहा है वहाँ से। और यहाँ पर गुफा है एक, यहाँ पर हमें एक गुफा दिखाई दे रही है, पर यही है जो कुछ भी है। ओ ये है पानी, पानी का भर यही टंकी सी है बस, ये तो ये देखिएगा, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं आपको दिखेगा पाएगा कि नहीं। ये दो जालियों सी में टंकी है पानी की, इसी को शायद बाणगंगा कहते हैं। ये रोहित अब झांक के देख रहे हैं, और ये ऐसे बना हुआ है, इसके अंदर एक कुआं सा है पानी का। ओए सागर, वो पानी ना पी। क्यों नहीं, वो तो पानी है पीने का वैसे। आप जा रहे हो पता? हाँ हाँ, इसे जाके फोटो है, फोटो ही होल्ड चल रही है यहाँ पे तो। देखिए यहाँ पर ये ऐसे पहाड़ों के बीच में ये दो कमरे से ऐसे बने हुए हैं, जिसके पीछे एक पानी का स्रोत है, वो एक कुआं सा है जिसमें पानी है, पानी गंदा है, पानी साफ है। और ये यीशु वहां से पानी भर के लाया और पिया है। अब मैं भी जा रहा हूँ ऐसे बेकार रास्ते पर, रोहित अब यहाँ से पानी पी रहे हैं। ये है हमारी मंजिल, हमें यहाँ पर पानी मिल गया ऐसे। मोबाइल अपना देखिए, करिए पानी का इंतजाम। ले तू बना फिर, मेरी वीडियो चल रही है। चलो भाई चलेंगे, वहां पर जाते जाते फिर घर बोलेंगे। अरे ठीक ही है, पकड़िए इसको। हम भी अब जाते हैं, यीशु फिर दोबारा पानी, क्योंकि यीशु को पानी की जरूरत है। पहाड़ों के बीच में सुनसान जगह
चलो भाई जाना है क्या हमें ये शो चल हम जाएंगे कैसे आ तो बैठे भैया अपनी मोटर भरो खाने रुक जा मेरे चप्पल सुनने दे स्लिप कर रहा है रिकॉर्डिंग कर दिल्ला हाथ नहीं यहाँ पर मोहित पानी भरते हुए आप देख सकते हैं यह अपने परिवार के लिए पानी लेके जाएंगे और उनको पानी देंगे अब उनका ढक्कन खुल गया है अब ढक्कन को देखते हैं और यह ढक्कन इनको मिल गया ये देखिए अभी अभी यह ढक्कन को साफ करेंगे क्योंकि बहुत ही स्वच्छ रहने चाहते हो या बीमार होने की तो सोचते ही नहीं ये देखिए बोतल बंद अब यह तीनों शॉर्टकट से चल रहे हैं और इशू भी जाएगा कौन है वजह मारे यहाँ से आना।